दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम 11 में। बात करेंगे आज के जो मैच खेले जाने वाला है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेंस के बीच में। दोस्तों इसके आज हम ड्रीम 11 टीम बना लेंगे। ये फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा। उससे पहले दोनों ही टीमों के साथ जो ODI सीरीज़ हुई है उसमें भी आपको मैं कुछ बताऊँगा। दोस्तों उससे पहले आपको बता दूँ 7 अक्टूबर से प्रो कबड्डी चालू होने वाली है। दोस्तों तो 7 अक्टूबर से मैं आपको प्रो कबड्डी के सारे जो मैचेस है वो कवर करूँगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। दोस्तों आज हम देखेंगे कि क्या हो सकती है ड्रीम 11 टीम और क्या हो सकती है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस। और दोस्तों आपको इसमें बताऊंगा कि आपके लिए कौन अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। दोस्तों तो बात करेंगे क्या हो सकती है ड्रीम 11 टीम, तो देख लेते हैं क्या हो सकती है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास दो ऑप्शन है, एक लिजन ली और एक है ओली ऑगली रहा। तो इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो दोस्तों आप। आपको बता दूँ लिजन ली जो है ओपनिंग करती है साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से, और वेस्ट इंडीज़ की जो विकेट कीपर है बल्लेबाज है वो जो है दोनों जो है मेरिसा, ये आपको थोड़ी लोअर मिडल ऑर्डर में खेलते नज़र आ जाएगी। तो इसलिए मैंने इनको नहीं लिया है, मैंने लिजन ली को लिया हुआ है। दोस्तों ओपनिंग करेगी तो इसलिए मैंने इनको लिया हुआ है। फिर बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूँ बैटिंग सेक्शन में आपको बता दूँ मैंने लिया है। अगर आप लेना चाहो तो ट्रेलन को ले सकते हो, मेगिन डुप्रिस को ले सकते हो, दोनों इस मैच में शायद ही खेलते नज़र आ जाए, थोड़े रिस्की हो सकते हैं। लॉरा वॉलवर्ट को मैंने लिया हुआ है, फिर लिया है सुनलुस ओपनिंग करते हुए नज़र आ जाएंगी। लॉरा वॉलवर्ट 3 नंबर पे खेलते नज़र आ जाएंगी। फिर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से चैम्बेलिया जो है 4 या 3 नंबर पर खेलते नज़र आ जाएंगे, और किंग जो है वो आपको ओपनिंग करते नज़र आ जाएंगे वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ से। दोस्तों तो ये मैंने सेफ ऑप्शन आपको बता दी, या थोड़े रिस्की ऑप्शन है नीचे। दोस्तों अगर किसी को लेना चाहो तो उसने सेनेता गिमिन को ले सकते हो, शायद ही खेलते हुए नज़र आ जाए, शायद ही बोल रहा हूँ मैं, शायद ही खेलते हुए नज़र आ जाए। फिर बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। दोस्तों तो आपके पास ऑलराउंडर सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ से आपको डेनवेन को लेना चाहो तो ले सकते हो, स्टेपिया टेलर को लेना चाहो तो ले सकते हो, मरीजन्ना कैप को लेना चाहो तो ले सकते हो। आपके पास मैं बता दूँ सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे भरे पड़े। फिर आपको बता दूँ डेंटन डोटिज को आप लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि इनको आप स्मॉल लीग में डायरेक्ट कैप्टन रख सकते हो दोस्तों, क्योंकि गेंदबाजी की करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं। पिछले मैच में इन्होंने जो अच्छी बल्लेबाजी की इनको ऊपर प्रमोट भी किया गया था और अच्छी खासे 2 विकेट भी ले लिए थे दोस्तों, तो आप इनको ले सकते हो। हैटन मेट्यूस को आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ये भी आपको इस मैच में खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। मरीजन्ना कैप ने पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे दोस्तों, आपको बता दूँ मरीजन्ना कैप को आप ले सकते हो, तो लेना चाहो तो ले सकते हो, बिल्कुल ही आपको इस मैच में खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। फिर बात करेंगे डेनवेन भी अच्छा ऑप्शन है जो कैप्टनसी करेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से, और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से क्या कैप्टनसी करेंगे टेलर, तो इन दोनों को आप ले सकते हो दोस्तों, बिल्कुल ही अच्छे प्लेयर्स है और दोनों ही कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार है दोस्तों, तो इनको लेना चाहो तो ले सकते हो, बिल्कुल ही खेलते नज़र आ जाएंगे। फिर बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में आपको बता दूँ मैंने जो है क्लास को लिया हुआ है। क्लास को इसलिए लिया है, बहुत अच्छी शानदार गेंदबाज है दोस्तों। अगर आप चाहो तो क्लास को हटा के अगर चाहो तो इसको भी ले सकते हो, सेमिलिया कॉलेन, ये भी आपको इस मैच में बिल्कुल ही खेलते नज़र आ जाएंगे। अगर क्लास को लेना चाहो क्लास को ले सकते हो इन दोनों में से, अगर मैं चाहूँ तो सेमिलिना को लेना चाहो तो सेमिलिना को, इन दोनों को आप ले सकते हो दोस्तों, बिल्कुल ही अच्छी गेंदबाज है। फिर बात करेंगे फ्लाई पिचर को मैंने लिया, पिछले मैच में शानदार 2 विकेट लिए थे दोस्तों, तो इसलिए मैंने इनको लिया हुआ है। अगर आपने पिछले वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका की जो ODI सीरीज़ थी उनको फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कौन से प्लेयर किस नंबर पे खेलते हैं। फिर मैंने लिया है माली को लिया हुआ है, जिंतल माली को, ये भी अच्छी गेंदबाज है दोस्तों, आप इनको ले सकते हो। फिर बात करें तो अगर लेना चाहो तो तमी को ले सकते हो, तमी शुकुखोने को ले सकते हो, ये भी आपको इस मैच में खेलते नज़र आ जाएगी दोस्तों, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत अच्छी गेंदबाज है, पर मैंने इससे ऑप्शन के साथ गया हूँ दोस्तों। फिर बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो आपको बता दूँ कैप्टन मैंने रखा है डोटिंग को और वाइस कैप्टन रखा है डेनवेन को दोस्तों, आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो और खेल सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपको अगर किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करना है तो कर सकते हो दोस्तों। तो थैंक यू।